उधर सालों की मेहनत के बाद भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया, जिसका नाम है प्रचंड। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया और इसका पहला बेड़ा जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड, जिसका वीडियो राजनाथ सिंह ने खुद शेयर किया और लिखा नाम है प्रचंड। जिसके बाद रक्षा मंत्री की मौजूदगी में प्रचंड वायुसेना में शामिल किए गए। मौका खास था, इसलिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में इसमें उड़ान भरी। यह दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। LCH के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही 22 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत की वायुसेना को भारत में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल गया। इसे भारत का विजय रथ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी खूबियां हैं जो दुश्मन को चकमा दे सकती हैं। या यूं कहें कि भले ही इसके नाम से लाइट जुड़ा है, लेकिन इसके काम बहुत भारी हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी 1999 में, जब करगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, क्योंकि अगर तब भारत के पास प्रचंड होता तो ऊंचाई पर बने पाकिस्तान के बंकर को उड़ाना चुटकियों का काम होता। और इसी कमी को दूर करने के लिए भारत की सरकार ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की ठानी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर बना डाला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा स्क्वाड्रन इसके लिए जाएंगे और कोशिश ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वो सारी चीज़ें हम भारतीय सेना को प्रोवाइड कराई जाए। माना जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों के जोधपुर एयरबेस पर पहुँचने की एक बड़ी वजह है पाकिस्तान बॉर्डर।